बहन जी निश्चित रूप से जो बहुजन समाज पार्टी वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो बहुजनों को साथ लेके चलने की है। और इस समय हमारा जो मुख्य मुद्दा है 2024 को लेके वो है जातीय जनगणना, ठीक है। और जो विसंगतियां हैं सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को जगह नहीं दी गई है, उनकी रिक्तियाँ हैं, लाखों लाखों पद खाली है, तो इसकी लड़ाई बहन जी ने बखूबी लड़ी है। तो हमने तो उनको आमंत्रण भेजा है कि जब हमारी और आपकी विचारधारा एक है, हम और आप सब लोग जो है शोषित और वंचित समाज के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम लोग मिलके लड़े। अब बहन जी के ऊपर है ना, भेजा आपने, हथियार डाल दिया, हथियार नहीं डाला है, हथियार कोई नहीं डाला, आमंत्रण भेजा गया है। अब वो बहन जी उस पर सोच विचार कर रही है, बहन जी उस पर सोच विचार कर रही है, उनको उचित लगेगा तो वो जो है वो गठबंधन ज्वाइन करेंगी, उचित नहीं लगेगा, देखिए राजनीति में सब लोग स्वतंत्र। अखिलेश जी ने साफ तौर पे ये कहा कि हमारा जो है सीटों में जो गठबंधन था वो नहीं हो पाया, और उस पे हमारे जो नेता है दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने भी स्पष्ट बता दिया कि हाँ अखिलेश जी ने 6 सीटों की बात करी थी जिसमें 4 सीटों पे सहमति बन गई थी, लेकिन कुछ ऐसा रहा कि कुछ वार्तालाप प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, तो इस वजह से वो सीटें फाइनल नहीं हो पाई। कमलनाथ जी ने जो बोला वो ठीक बोला कि छोड़िए अखिलेश बखले भाई, देखिए ऐसा है, अब कमलनाथ जी ने पूरी बात क्या बोली क्या नहीं बोली ये तो कैसे पता। अब ऐसे तो टिकैत साहब ने भी बोल दिया था अल्लाहू अकबर, लेकिन उससे पीछे की बात क्या थी वो बात तो कभी मीडिया ने दिखाई नहीं कि पहले हर हर महादेव बोला फिर अल्लाहू अकबर बोला। तो मीडिया की बातों पर मत जाइए, गोदी मीडिया तो कभी कभार ऐसा होता नहीं कि आधा सच जो होता है वो पूरे सच से ज्यादा खतरनाक होता चलेगा, है गठबंधन तो कमलनाथ जी ने कौन सी बात कही है वो पूरी अगर क्लिप मिले तभी तो आप उस पर बात कह सकते हैं। देखिए अखिलेश यादव जी युवा नेता हैं, देश का भविष्य है, मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल, और मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें पसंद करता हूं, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, और हम तो चाहते हैं अखिलेश जी प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी ना बने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि नहीं, राहुल जी ने स्पष्ट तौर पर मना किया है कि मैं अभी प्रधानमंत्री बनने की राहुल जी की कोई इच्छा नहीं है, राहुल जी सिर्फ निस्वार्थ भाव से, अगर राहुल जी की कोई इच्छा होती तो वो अध्यक्ष पद ना ले लेते, अध्यक्ष पद उन्होंने छोड़ा और उन्होंने साफ मना कर दिया कि गांधी परिवार से भी कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। कांग्रेस में देखा गया कि 24 में राहुल गांधी और 27 में अजय, भाई देखिए मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि यूपी कांग्रेस ने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैं सिर्फ राहुल जी की और खड़गे जी की बात कर सकता हूँ कि राहुल जी ने क्या कहा, खड़गे जी ने क्या कहा, और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व क्या चाह रहा है, अब प्रदेश कार्यकारिणियाँ क्या कर रही हैं, या फिर सपा की प्रदेश नेता जो है, ऐसे तो आईपी सिंह ने भी राहुल जी को लेकर तमाम उलझलूल बयान दिए थे, उस पर भी चर्चा हो जाए। लेकिन अगर हम इस तरह की चर्चाएं करेंगे कि आईपी सिंह ने क्या कहा, अजय राय जी ने क्या कहा, तो इससे क्या होगा, इससे बीजेपी को मजबूती मिलेगी, और बीजेपी यही चाह रही है कि आपस में अगर कोई वार्तालाप हुआ है तो उस वार्तालाप को तोड़ मरोड़ के घसीट के इधर उधर से जो है मेन स्ट्रीम मीडिया और बीजेपी आईटी सेल के द्वारा इसको उछाला जाए, इसका प्रोपेगेंडा बनाया जाए, मुसलमानों के हित की बात करना, ये देखिए आजम खान साहब बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और आजम खान के साहब के साथ पूरी सिंपैथी है, हम लोगों की पूरी जो है सद्भावना है उनके साथ, और हम लोग जो है पहले भी जब आजम खान साहब यहाँ एडमिट थे दिल्ली में, जब उनका इलाज चल रहा था करोल बाग में सर गंगाराम अस्पताल में, तब हमारे कई शीर्ष नेता उनसे मिलने गए थे। किसी नेता से मिलना अलग चीज़ होती है, राजनीति अलग चीज़ होती है, ऐसे तो मोदी जी भी तमाम नेताओं की शादियों विवाहों में गए हैं भाई, मोदी जी भी तो नेता माननीय नेता जी के यहाँ जो शादी हुई थी उस शादी में गए थे, और अमित शाह जी के बेटे की शादी हुई थी तो उसमें तमाम कांग्रेस के भी नेता गए थे। देखिए व्यक्तिगत जो व्यवहार है वो अलग चीज़ है, आजम खान साहब के सबसे व्यक्तिगत व्यवहार है वो अलग चीज़ है, लेकिन उसको राजनीति में ना डाला जाए, राजनीति अलग चीज है, राजनीति है विचारों की। कयास लगा रहे हैं कि सपा से दूरी बनाकर बसपा को नजदीक लाने की कोई दूरी नहीं बन रही है, कहीं दूरी नहीं बन रही है, ये दूरी सिर्फ और सिर्फ नेशनल मीडिया बना रहा है,
बीजेपी आईटी सेल बना रहा है, बीजेपी आईटी सेल ये तो नहीं दिखा रहा है कि साहब जो राजवर किस दिशा में चल रहे हैं, बीजेपी आईटी सेल ये नहीं दिखा रहा कि जनता दल सेकुलर के साथ कर्नाटक में तो आप गठबंधन कर रहे हो लेकिन विधायकों ने इस्तीफा देने की जो है पूरी चेतावनी दे दी। बीजेपी ने कर्नाटक में जनता दल सेकुलर के साथ गठबंधन किया, देवेगौड़ा और जो है जो मोदी जी हैं दोनों प्रचार करेंगे, लेकिन जैसे ही खबर कर्नाटक के विधायकों को मिली वहाँ के सब ने भी इस्तीफा देने की धमकी दे दी है। ये चीज़ नहीं दिखा रही है बीजेपी आईटी सेल और ना नेशनल मीडिया कि वहाँ जो अंतरकलह है किस तरीके से बढ़ रही है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में बीजेपी 6 खेमे में बट गई, आपस में खींचतान मची हुई है। महाराजा जो सिंधिया हैं उनके कॉलर पकड़े जा रहे हैं, जो भूपेंद्र यादव हैं जो वहाँ इंचार्ज बन के गए थे उनके तो कपड़े फाड़ दिए वहाँ के लोगों ने, लेकिन नेशनल मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखाएगी, सिर्फ टब्बल नहीं दिखाएगा। लेकिन विपक्ष के नेताओं का अगर कहीं आपसी वाद विवाद हो रहा है, कहीं विचारों को लेकर आदान प्रदान हो रहा है तो उसका तिल का ताड़ बना के दिखा देंगे साहब। लेकिन ये चीज ये चालाकी चलनी नहीं है, ये चालाकी चलनी नहीं। नीतीश जी ने कुछ नहीं कहा, नीतीश जी ने स्पष्ट ये कहा है कि मीटिंग लेट हो रही है, तो उस पे खड़गे साहब का भी जवाब आ गया है कि जैसे ही राजस्थान का चुनाव खत्म होगा उसके बाद तुरंत मीटिंग की जाएगी। अब आप ये बताइए कि क्या काम ज्यादा जरूरी है, जो 5 राज्य के चुनाव हैं इसमें बीजेपी को नेस्तो नाबूद करना ज्यादा जरूरी है, और इस बात को इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं जितने भी सहयोगी दल हैं सब अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन जो मीडिया है और बीजेपी आईटी सेल है इस ये एक गलत परसेप्शन तैयार करके गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि हमारा जो गठबंधन है वो नहीं टूटेगा, बीजेपी चाहे कितने भी प्रयास कर ले, हमारे जो शीर्ष नेता हैं प्रयास कर रही है कांग्रेस कर रही है नहीं साहब, कांग्रेस तो जोड़ने की प्रयास कर रही है, कांग्रेस तो पिछले 1.5 साल से जोड़ रही है। बयान दे रहे कि मायावती के बगैर हम बीजेपी को नहीं हरा सकते, देखिए ऐसा है बहन जी, निश्चित रूप से जो बहुजन समाज पार्टी वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो बहुजनों को साथ लेके चलने की है, और इस समय हमारा जो मुख्य मुद्दा है 2024 को लेके वो है जातीय जनगणना, ठीक है, और जो विसंगतियां हैं सरकारी नौकरियों में दलितों को पिछड़ों को शोषितों को जगह नहीं दी गई है, उनकी रिक्तियाँ हैं, लाखों पद खाली है, तो इसकी लड़ाई बहन जी ने बखूबी लड़ी है। तो हमने तो उनको आमंत्रण भेजा है कि जब हमारी और आपकी विचारधारा एक है, हम और आप सब लोग जो है शोषित और वंचित समाज के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम लोग मिलके लड़े। अब बहन जी के ऊपर है ना, कहां भेजा आपने, हथियार डाल दिया, हथियार नहीं डाला है, हथियार कोई नहीं डाला, आमंत्रण भेजा गया है, अब वो बहन जी उस पर सोच विचार कर रही है, बहन जी उस पर सोच विचार कर रही है, उनको उचित लगेगा तो वो जो है वो गठबंधन ज्वाइन करेंगी, उचित नहीं लगेगा। देखिए राजनीति में सब लोग स्वतंत्र हैं, यूं तो बीजेपी पार्टी जो है राज्य में अकाली दल के साथ पंजाब में गठबंधन कर लेती है, लेकिन अन्य किसी राज्य में चुनाव होता है तो अकाली अलग चुनाव लड़ती है, बीजेपी अलग लड़ती है। शिवसेना के साथ जो बीजेपी का गठबंधन है वो सिर्फ मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के अलावा शिवसेना जहां भी चुनाव लड़ती है वो अकेले लड़ती है, बीजेपी अलग लड़ती है। तो इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो राजनीति में गठबंधन होते हैं वो उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती है। यादव जी आपकी बात मान ली जाए, कांग्रेस राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में सीट नहीं दे रही है जो उसके साथ की पार्टी, अगर सपा बसपा यूपी में कांग्रेस को एक भी सीट ना दे तो फिर क्या होगा? देखिए ये चीज तो शीर्ष नेता तय करेंगे, ये बात तो हम यहाँ पे बहस करके हमें कुछ हासिल नहीं होगा। नहीं, जैसे यहाँ आज पे कांग्रेस सपा के साथ नहीं, कर रही है, मैं आपको नहीं कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने सपा के साथ कुछ नहीं किया, ये आप लोग जो है आप लोगों की मैं चालाकी अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ कि आप लोग तिल का ताड़ बना रहे हैं, मैं आप लोगों की चालाकी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। ऐसा है आप लोग बाल की खाल निकाल रहे हैं, हमें पूरी अच्छी तरीके से मालूम है कि आप लोग पूरी बना रहे हैं, आप लोग भी चाह रहे हैं, आप लोग भी चाह रहे हैं भाई साहब कि सपा का कांग्रेस का गठबंधन ना हो। हमें तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आईटी सेल से कहीं आपको भी पीछे से कहीं ईडी का सम्मान आ गया, इसलिए आप लोग भी डरे हुए हैं, और उधर से ही जो प्रायोजित खबरें हैं वो चला रहे हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं चाह रही है, तो आप लोग चाह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं
मतलब बयान आपके ये बताइए कहीं ईडी का संबंध तो नहीं आ गया आप लोगों के पास, कहीं ईडी का नीचे पीछे से नोटिस आ गया हो, इनकम टैक्स का कहीं छापा पड़ गया हो, कहीं कोई दिक्कत हो गई हो? श्रीमान जी बिल्कुल बेफिक्र रहिए, गठबंधन बनेगा, मजबूती से बनेगा, सपा के साथ बनेगा, और अगर बहुजन समाज पार्टी भी इसमें आ जाती है तो वो सोने पे सुहागा रहेगा, और नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, सब स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। समाज पार्टी है, कांग्रेस जाएगी उनके पास, सपा के बसपा के। देखिए एक खुला मंच है, यहाँ कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि मेरे लड़के की शादी है, उसके लड़के की शादी है कि हम उनके घर पे जाके आमंत्रण देंगे। तो बड़ा दिल कि 2024 का चुनाव है, और बड़ा दिल तो इतना दिल दिखा दिया बड़ा कि पहले ही बोल दिया कि साहब हम प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है, प्रधानमंत्री जो भी चाहे वो बने ना। तो राहुल जी ने साफ मना किया है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है, कोई भी नेता प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है, हम सिर्फ साथ देंगे, और हमारा जो मूल जो उद्देश्य है वो है बीजेपी को सत्ता से बाहर हटाने का, क्योंकि बीजेपी ने कहीं ना कहीं किसानों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ दुराचार किया है, उनको धोखा दिया है, युवाओं को नौकरी नहीं दी इन्होंने, महंगाई आप देखो बेतहाशा बढ़ी, पहले टमाटर बढ़ गए अब प्याज के दाम बढ़ा दिए, पहले होली खराब की इन्होंने अब दिवाली भी खराब कर रहे हैं, तो इनकी ऐसी जो दमनकारी नीतियां हैं इनको हम चलने नहीं देंगे। अभी वो गठबंधन की पृष्ठभूमि पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाई, तो जब उस पर कुछ फाइनलाइजेशन होगा, तमाम जो बातें फाइनल होके आएंगी, तो उसके बाद गठबंधन का प्रारूप हो जाएगा। अब इसी बीच में ये चुनाव आ गए तो इस वजह से हो सकता है कि कुछ नाराजगी हो, लेकिन हम बैठ के मना लेंगे। अभी फाइनल नहीं है इसका मतलब। अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेके नागपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक होनी थी जो 25 अक्टूबर को होती, लेकिन ये बीजेपी ने बीच में चुनाव की डेटें डिक्लेयर कर दी। पहले हमें ऐसा लग रहा था कि चुनाव की डेट जो है वो नवंबर में डिक्लेयर होगी, इस वजह से हमने अक्टूबर में जो है मीटिंग रखी। अब इन लोगों ने अक्टूबर में ही चुनाव की तारीखें निर्धारित कर दी, तो इस वजह से अभी ये बैठक नहीं हो पाई है। ये बैठक संभवतया जो है वो 25 नवंबर के बाद होगी, और उसके बाद सारी चीज़ें तय कर ली जाएंगी, फाइनल कर ली जाएंगी। और दूसरी बात अखिलेश जी की नाराजगी को लेके है, तो अखिलेश जी ने भी स्पष्ट रूप से बोला है कि जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उनसे उनकी बात हो चुकी है, और जो भी मामला है वो आगे जो बैठक होगी उस बैठक में उन चीज़ों को फाइनल कर लिया जाएगा, फाइनली देखा जाए अंततोगत्वा। तो सबका जो है वो एक ही मकसद है कि बीजेपी ने जो इस समय मोनोपोली बना रखी है तमाम संस्थाओं पे, अब आप देख लो कि महुआ मोहित्रा को फंसा दिया, इसके अलावा आप केजरीवाल के पीछे पड़ गए, और कांग्रेस के भी तमाम नेता हैं उन पे भी ईडी के संबंध जा रहे हैं। तो हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई कुल मिला के बीजेपी की जो लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो नीति है, लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो उनकी मंशा है, उसके खिलाफ है, और इस लड़ाई को हम सबको मिलजुल के ही लड़ना पड़ेगा। अकेले ये चीज़ संभव नहीं है, अकेले लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। अखिलेश यादव ये भी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है, ये भी नहीं, तो ऐसा कभी नहीं कहा अखिलेश जी ने। मीडिया जो है इस बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रही है, अखिलेश जी ने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हैं।